स्टील में बेड साइड टेबल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा स्टील का काम हुआ है, प्लस एक्रेलिक की शीट का काम हुआ हुआ है। इधर इसके लोहे के जाल डले हुए होते हैं, ठीक है। जाल भी आप देखेंगे ना श्याम भाई, एक जाल में 5 रॉडे होती हैं, वरना ज्यादातर आपको जाल मिलेंगे जिसमें 3 या 4 रॉड लगी हुई होती है। ये देख सकते हैं आप, ऊपर पूरा ये स्टील का फ्रेम लगा हुआ है, इसके अंदर मिरर का काम हुआ हुआ है, ठीक है। वही डिजाइन दिया हुआ है जो बेड में दिया हुआ है और साइड टेबल में दिया हुआ है। इसकी अलमारी है सर, अलमारी देखिए कितनी खूबसूरत स्टाइल में, पूरा फ्रंट पे इसके एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है, जो बेड के ऊपर एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई कस्टमाइजिंग कराना चाहें इसमें वो भी हो सकती है। जैसे डिवाइडर है इसके साथ, 2 डोर का डिवाइडर है सर, अलग अलग पीस में, दोनों पीस अलग अलग हैं इसके डिवाइडर के। स्टील वाला बेड अगर किसी ने भी खरीदा होगा तो ऐसी साइड टेबल उनको नहीं मिली होंगी। साइड टेबल में ये पूरा फ्रेम स्टील का बना हुआ है, नीचे एक्स बना हुआ है, 3 इंच पिलर में बना हुआ है बेड, 3 इंच का पिलर है इसका, पूरा स्टील में बना हुआ है, प्लस इसमें भी एक्रेलिक की वही शीट का काम हुआ हुआ है जो हेडबोर्ड पे हुआ हुआ है। का 20 गेज है, ये वो 20 गेज है जो मार्केट में 18 गेज बताया जाता है, लेकिन 18 होता नहीं है, होता 20 गेज है। दिखाऊंगा अंदर से, वही एक तरफ एक ड्रॉज एक शेल्फ, हाइड्रोलिक कब्जों का काम हुआ हुआ है, SS का रॉड लगा हुआ है, नीचे लॉकर है, लॉकर के अंदर भी एक लॉकर है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। मेरा नाम है एहतिशाम जंजुआ। व्यूअर्स, इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची की सबसे फेमस मार्केट करीमाबाद फर्नीचर मार्केट में, और करीमाबाद की सबसे फेमस शॉप पे जिसका नाम है इमरान सन्स फर्नीचर शोरूम के नाम से इनकी शॉप है यहाँ पे। और यहाँ पे आज एक और बहुत ही खूबसूरत किस्म का स्टील का प्लस लैमिनेशन में एक बेडरूम सेट तैयार हुआ है, और हमने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करने की वजह यह है कि काफ़ी टाइम से मुझे रिक्वेस्ट आ रही थी, एहतिशाम भाई आप टर्किश डिज़ाइंस दिखा रहे हैं हमें, मॉडर्न डिज़ाइंस दिखा रहे हैं हमें, स्टील का चाहिए। काफ़ी लोग होते हैं जो स्टील का फर्नीचर पसंद करते हैं, तो भाई आज की इस वीडियो में जो हम डिज़ाइन आपके साथ शेयर करने वाले हैं बिल्कुल मार्केट से हटके डिज़ाइन है, कस्टमाइजेशन होकर यह तैयार हुआ है और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में इंशाल्लाह आपको मिलने वाला है। तो वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। इसके अंदर डिज़ाइंस, कलर्स, क्या प्राइस है, क्या मटेरियल यूज़ किया गया है, कितने दिन में बनाकर दिया जाएगा, इस तरह की तमाम इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में होगी। तो बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो एंड तक लाजमी देखिएगा। अब मैं आपकी बात करवाता हूँ अब्दुलरहमान साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रहमान साहब कैसे हैं? ठीक है रहमान साहब, सबसे पहले तो बताएं कि रिस्पांस कैसा आ रहा है वीडियोस का इस वक्त? सर वीडियोस के हालात जैसे चल रहे हैं इस वक्त, कैसा रिस्पांस है? फिर भी सर अल्लाह पाक का बड़ा शुक्र है कि बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हमें, क्या हमारे पास काफ़ी बुकिंग्स रहती हैं और काफ़ी व्यूवर्स की विजिट भी होते हैं हमारे पास शोरूम पर। तो इसी तरह से काफ़ी व्यूवर्स थे जिनको एक बिल्कुल हटके चीज़ देखनी थी, तो हमने एक बिल्कुल अलग किस्म का बेडरूम सेट बनाया है। इसमें स्टील का काम भी हुआ हुआ है, एक्रेलिक का भी हुआ हुआ है, पार्टेक्स लेमिनेशन का भी काम हुआ हुआ है, बेड पूरा स्टील में बना हुआ है, और इसमें काफ़ी सारी आपको वैरायटी देखने को मिल जाएगी आप शोरूम का विजिट करते हैं तो। ठीक है। और प्राइस भी बहुत रिजनेबल होने वाली है, क्योंकि जो मार्केट प्राइस होगी उससे इंशाल्लाह आपको कम प्राइस में ही मिलेगा, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि स्टील का काम भी हमारा अपना है और लेमिनेशन की भी वर्कशॉप जैसे हम आपको दिखा चुके हैं वो भी हमारी अपनी ही है, तो इसका बेनिफिट सारा आपको मिलेगा। तो सबसे पहले जो है कि तमाम व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया, जो आज के इस टाइम में भी जो है कि काफ़ी मार्केटें हैं कराची में, लेकिन सबको छोड़ के जो है कि इमरान सन्स पर आते हैं, तो उन सब व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। चलें तो एक दफ़ा एड्रेस बताएं, जो लोग नहीं जानते वो भी एक दफ़ा एड्रेस समझ लेंगे। सर कराची में करीमाबाद फर्नीचर मार्केट है, करीमाबाद का ब्रिज बहुत मशहूर है, इसके अपोजिट हमारी मार्केट है। मीना बाज़ार कराची का बहुत मशहूर है, इसके बराबर में हमारी मार्केट है। इसके अलावा पूरी वीडियो में हमारा नंबर होगा, उस पर आप जो है कि व्हाट्सएप पर हमसे लोकेशन मंगवा सकते हैं, जिसके जरिए आप इजीली हमारे शोरूम तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो व्यूअर्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर ये वीडियो मेरी फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो उसको मैक्सिमम ग्रुप में शेयर कीजिएगा, ताकि दूसरे व्यूअर्स इस महंगाई के दौर में इस सस्ता फर्नीचर खरीद सकें। इसके अलावा और भी बहुत सारे डिज़ाइंस होते हैं, आपके बजट के हिसाब से ही बना के दिया जाता है, अंडर 1 लाख रुपीज़ में मिल जाएगा, 1,10,000 रुपये से भी स्टार्टिंग प्राइस है। तो मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं, मुख्तलिफ वैरायटी है, तो जब आप यहाँ पे विजिट करेंगे तो इंशाल्लाह आपको LCD पे लैपटॉप पे दिखा दिया जाएगा। अब जल्दी से वीडियो स्टार्ट करते हैं, थैंक यू। अब्दुलरहमान साहब बिस्मिल्लाह करते हैं। बिल्कुल सर, आज की इस वीडियो में सबसे पहले क्या दिखाएंगे? सबसे पहले सर इसका बेड साइड टेबल दिखाऊंगा, जैसा कि मैंने आपको कहा कि स्टील में बेड साइड टेबल बना हुआ है, ये आप देख सकते हैं पूरा स्टील का काम हुआ है, प्लस एक्रेलिक की शीट का काम हुआ हुआ है। इसमें एक्रेलिक का भी कलर आप देखें, ये नरगिसी कलर भी कहते हैं, कुछ रेम्बो कलर भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये बहुत कामयाब कलर रहा है स्टील के अंदर, पूरा बेड स्टील में बना हुआ है। स्टील क्वालिटी आपको बताऊँ तो ये 3 इंच पिलर में बना हुआ है बेड, 3 इंच का पिलर है इसका, फिर इसके ऊपर ये लट्टू लगे हुए हैं, ये भी स्टील के लगे हुए हैं, मतलब पूरा जो हेडबोर्ड आपको नज़र आ रहा है ये पूरा SS में बना हुआ है और प्लस एक्रेलिक के साथ बना हुआ है। इसके बाद इसका फुटबोर्ड देखेंगे, फुटबोर्ड भी पूरा स्टील में बना हुआ है, प्लस इसमें भी एक्रेलिक की वही शीट का काम हुआ हुआ है जो हेडबोर्ड पर हुआ हुआ है, सेम वैसे ही काम हुआ हुआ है इसके ऊपर भी। सही। और हाइट दिखाएं ज़रा इसकी। हाइट इसकी जो नॉर्मल बेडों की हाइट होती है सर, वही हाइट है इसकी। अच्छा, फुटबोर्ड पे भी वही 3 इंच के पिलर का काम किया हुआ है। ठीक, वही 3 इंच के पिलर में बना हुआ है। ठीक, इसका अंदर से स्ट्रक्चर दिखाऊंगा आपको, अंदर इसके लोहे के जाल डले हुए होते हैं,
ठीक है। जाल भी आप देखेंगे ना श्याम भाई, एक जाल में 5 रॉडें होती हैं, वरना ज़्यादातर आपको जाल मिलेंगे जिसमें 3 या 4 रॉड लगी हुई होती है। पाइप की मोटाई 1.25 इंच की होती है, हम 1 इंच की मोटाई वाला पाइप इसमें इस्तेमाल करते हैं जाल में, क्योंकि मेन चीज़ यही होती है, सारा वेट ही इसके ऊपर आना होता है। सही है, ठीक है सर। इसके अलावा इसके साथ की ये साइड टेबल आप देखेंगे, साइड टेबल बिल्कुल यूनिक स्टाइल की बनी हुई है। अभी तक स्टील वाला बेड अगर किसी ने भी ख़रीदा होगा तो ऐसी साइड टेबल उनको नहीं मिली होंगी। साइड टेबल में ये पूरा फ्रेम स्टील का बना हुआ है, नीचे एक्स बना हुआ है स्टील का, पूरा स्टील का है कि आप मैग्नेट लगा के इसको चेक करेंगे कहीं से भी ये एसएस ही होगा। उसके बाद ये अलग सी एक इसके ऊपर बॉक्स बना हुआ है जिसमें ये 2 दरवाजे दी गई हैं। सही है, ठीक है। ये 2 दरवाजे आ गई और वही एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है जो बेड के ऊपर हुआ हुआ है। बॉडी इसकी पार्टिक्स लेमिनेशन की है, ठीक है। फ्रंट पे इसके एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है। दोनों साइड की साइड टेबल सेम वैसी ही बनी हुई है जैसी, दोनों एक जैसी है, मतलब कि बेड से बिल्कुल हटके नहीं है, सेम मैचिंग की है। क्योंकि ये इसके ऊपर देखेंगे आप, जैसे ये बेड में इस तरह से काम हुआ हुआ है, इसी तरह का ये साइड टेबल में भी हुआ हुआ है। ठीक है, मतलब हर तरीके से मैच करा हुआ है इसको कि बिल्कुल अलग ना लगे। सही, ठीक है सर। ये हो गया बेड साइड टेबल, अब इसकी ड्रेसिंग दिखाऊंगा आपको। पहले ड्रेसिंग भी बहुत यूनिक स्टाइल की बनी हुई है, देख सकते हैं आप। ऊपर पूरा ये स्टील का फ्रेम लगा हुआ है, इसके अंदर मिरर का काम हुआ हुआ है, ठीक है। वही डिज़ाइन दिया हुआ है जो बेड में दिया हुआ है और साइड टेबल में दिया हुआ है, सेम वही। नीचे इसके भी पूरा स्टील का फ्रेम बना हुआ है, और फ्रेम भी आप देखें कितना बड़ा फ्रेम बना हुआ है इसमें। उसके ऊपर ये अलग से बॉक्स लगा हुआ है जिसमें ये 4 रोजे बनी हुई हैं। ठीक है, ये 4 रोजे बनी हुई है इसमें सर। ठीक है, ये 4 रोजे हैं, वरना जो स्टील वाली ड्रेसिंग है, अब तक किसी भी व्यूअर ने अगर स्टील वाली ड्रेसिंग ली होगी ना तो उसमें 2 दरवाजे आती थी, वो भी बहुत छोटी छोटी सी, बहुत नाजुक सी होती थी। ये बिल्कुल हट के जे के एक चीज़ बनाई है कि एक अलग चीज़ देखने को आपको मिलेगी इसमें। ठीक है, ये अलमारी है सर इसकी। कितने गेज में बना हुआ है सर? ये पक्का 20 गेज है, ये वो 20 गेज है जो मार्केट में 18 गेज बताया जाता है, लेकिन 18 होता नहीं है, होता 20 गेज है। ठीक है, इसलिए आपको क्लियर बताऊंगा कि ये 20 गेज ही है, 18 गेज भी बोल के दे सकते हैं इसको, लेकिन 18 गेज है नहीं है, 20 गेज में बना हुआ है। ये इसकी अलमारी है सर, अलमारी देखिए कितनी खूबसूरत स्टाइल में, पूरा फ्रंट पे इसके एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है, जो बेड के ऊपर एक्रेलिक का काम हुआ हुआ है। इसके अलावा आप अपने हिसाब से कोई कस्टमाइजिंग कराना चाहें इसमें, वो भी हो सकती है। जैसे इस पर अगर स्टील का काम करवाना चाहें इसके डोर पे, तो वो भी करवा सकते हैं इसमें। अच्छा, शीट की थोड़ी सी क्वालिटी बताया मुझे सर। एक्रेलिक की शीट लगी हुई है आपके सामने ही है, जो बेड पे इस्तेमाल करी है, जो साइड टेबलों की ड्रॉस पर है, जो ड्रेसिंग की ड्रॉस पर है, सेम वही है। बॉडी इसकी पार्टिक्स लेमिनेशन पर है, ठीक है, जो आपको दिखाते हैं हमने ज़्यादातर, जैसे आपको जो लेमिनेशन में टोटल दिखाए हैं तुर्किश वाले बेडरूम सेट, उसमें जो हम इस्तेमाल करते हैं पार्टिक्स लेमिनेशन की शीट, वही शीट इसमें भी इस्तेमाल करी हुई है। ऐसा नहीं है कि इसमें अलग है उसमें अलग है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अंदर से आपको दिखाऊंगा, अंदर से वही एक तरफ एक ड्रॉज एक शेल्फ, हाइड्रोलिक कब्जों का काम हुआ हुआ है। ठीक है सर, सेंटर वाला डोर वही हैंगर वाला होगा इसमें, जिसमें ये तीसरा डोर है इसका, तीसरा डोर भी सेम वैसी है जैसे पहला वाला डोर है, इसमें भी एक शेल्फ एक ड्रॉज है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है। सेंटर वाला डोर आपको दिखाऊंगा, ये देखिए, ये इसमें एसएस का रॉड लगा हुआ है, नीचे लॉकर है, लॉकर के अंदर भी एक लॉकर है। ठीक है, मतलब जो अलमारी डिवाइडर ज़्यादातर लोग आयरन में इस्तेमाल करते थे, तो आयरन में एक तो क्वालिटी भी बहुत हल्की हो गई, क्वालिटी हल्की के साथ साथ इसमें जो है एक ये डिज़ाइन भी व्यूअर्स आपको स्टील में यहाँ से मिल जाएगा। देखें जी, ये भी हमने यहाँ पे वीडियो बनाई थी, इसकी आपको कंप्लीट वीडियो मेरे चैनल पे मिल जाएगी। ये भी स्टील में बना हुआ है, ऐसे ही जी बिल्कुल तुर्किश स्टाइल में बना हुआ है। स्टाइल में ये वाला डिज़ाइन भी तुर्किश स्टाइल में बना हुआ था, बेडरूम सेट पूरा हो गया। तो मतलब स्टील का कोई भी डिज़ाइन आपके पास ले आए तो आप कोई सा भी, इसके अलावा आप हमारे शोरूम का विजिट करेंगे तो आपको हम खुद जो है काफ़ी डिज़ाइन दिखा देंगे इसमें। स्टील में बहुत सारे डिज़ाइन होंगे इसमें। और डिवाइडर, डिवाइडर है इसके साथ, 2 डोर का डिवाइडर है सर, अलग अलग पीस में, दोनों पीस अलग अलग हैं इसके डिवाइडर के। ठीक है, घर जाके ज्वाइंट होगा, पूरा 1 पीस में हो जाएगा। फ्रंट पे इस पर भी वही एक्रेलिक की शीट का काम हुआ है, बॉडी वही पार्टिक्स लेमिनेशन की है इसकी। अंदर से आपको दिखाऊंगा, ये अंदर से इस तरीके से आप देख सकते हैं कि 2 शेल्फें लगी हुई है, कि 3 खाने बने में काफ़ी सामान इसमें आ जाए। बड़ी चीज़ें रखने के लिए इसमें ये अलग से बॉक्स दिया हुआ है, नीचे कैबिनेट दिया हुआ है, नीचे अलग कैबिनेट दिया हुआ है कि इसमें आप बड़ी चीज़ें अपनी रख सकते हैं आराम से। सही है, ये इसका डिवाइडर हो गया सर। ये पूरा कंप्लीट 4 पीस का सेट बनाया हमने, के एक बिल्कुल मार्केट से हटके चीज़ बनाई है, जो लोग स्टील का इस्तेमाल करते हैं उनके लिए है ख़ास तौर पे। और उसके अलावा अलमारी डिवाइडर हमने ये जो बनाया है, ये आजकल जो आयरन की अलमारियाँ चल रही हैं वो बहुत हल्की क्वालिटी की हैं, एक तो उसकी प्राइस भी ज़्यादा है और क्वालिटी भी उसकी बहुत हल्की हो गई है। इस वजह से हमने अलमारी डिवाइडर ये लेमिनेशन का कराया कि पायदारी में भी जो है कि बहुत अच्छा जा रहा है, इसलिए हमने इसमें सोचा कि अलमारी डिवाइडर ये वाला यूज़ करें। तो इसमें भी कलर मिल जाएंगे आपको, कलर आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक भी रखवा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी कलर में
लेकिन इसमें जैसे एक्रेलिक का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है, बॉडी का जो कलर है वो भी चेंज हो सकता है। क्या प्राइस देंगे सर इसकी? सर प्राइस इसकी वैसे तो आप मार्केट प्राइस इंशाल्लाह इसकी मालूम करेंगे ना, तो आपको तकरीबन 175, 180, 185 इस तरह से इस फोर पीस की जो है कि प्राइस आपको मिलेगी। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि इमरान सर आपके लिए हर बार एक बहुत रिजनेबल प्राइस लेकर आते हैं, क्वालिटी बेहतर से बेहतर करके लेकर आते हैं, और तो उसी तरह से ये पूरा बेडरूम सेट विदाउट मैट्रेस आप लोग आपके व्यूवर्स के लिए 155,000 में ये फोर पीस का सेट दिया जाएगा आपके व्यूवर्स को सेम एज इट इज़ ऐसा। इसके अलावा आप कोई चेंजेस करवाते हैं कि डिवाइडर टू डोर का है थ्री डोर का करवाते हैं तो प्राइस में फ़र्क आएगा, अलमारी थ्री डोर की टू डोर की कराएंगे तो प्राइस में फ़र्क आएगा। एक ये डिज़ाइन है इसके साथ का स्टील में, ये डिज़ाइन मिल जाएगा आपको, मतलब ये डिज़ाइन भी मिल जाएगा आपको इसी के साथ का, सेम यही बेडरूम सेट है। इसमें भी आप जब हमारे शोरूम का विज़िट करेंगे तो हम आपको इसकी डिटेल जो है कि दिखा देंगे कि ड्रेसिंग कैसी होगी, सारी चीज़ें इसमें दिख जाएगी आपको। ठीक है, क्या प्राइस बताइए? 155,000 का पड़ेगा। 155,000 रुपये का फोर पीस का। चलिए ठीक है, और कितने दिन में बना कर देंगे? सर ये 8 से 10 दिन में मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई क्वांटिटी में चाहता है तो ये क्वांटिटी में भी मिल जाएगा, क्योंकि माशाल्लाह से इस सेट की बहुत अच्छी रनिंग है हमारे पास, तो ये एज अ टाइम हमारे पास ये 7-8 बेडरूम सेट रेडी होते हैं। इसकी रनिंग करंट में भी चाहिए तो मिल जाएगा जी, अर्जेंट में जैसे कोई आता है हाथों हाथ उन्हें चाहिए तो वो भी होते हैं। चलें सही है, ठीक है व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो, इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।